चलिए संजय भाई, चलो मिलते हैं, हैप्पी होली, थैंक यू। और हमारे जितने भी प्रभु जी यहाँ पे रह रहे उसका ख्याल रखना आप, जरूर जरूर, ठीक है जी हाँ। चलिए मैं अभी बाला तातो भी मिल जाए, बाला ता बोलो, चलो मैं रजा लेता हूँ, ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, आप सभी को हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ हाँ सर, लो आरो 5 मिनट पोगी जाइयो, हाँ छ प्रभु जी लेता जाओ, बरोबर, अने शांति थी यहाँ शिफ करी गयो। कौन कौन छे छ प्रभु जी मा? एमा एक शंकर दादा, हाँ एक ओलो मोहनदास, हाँ एक अशोक भाई, हाँ अबे ना नाम तो आपने नाम पे अपने पपियो के बोलाइए निर्मल तरबूज तरबूज हो गया। चलो कई वांधो नहीं, पण आपणे हमणां जोई लईए। हां हां चलो इकबाल काका, भगवान ने बधाने व्यवस्थित जमाडजो, मळीए बरोबर, हैप्पी होली। चलो मुकेश उभा रहो, मितेश भाई 2 दिवस में आऊं पाछो, बरोबर, ध्यान राखजो तमारू। प्रकाश भाई भी आ चुके, चलो प्रकाश भाई हैप्पी होली, हैप्पी होली, याद आवशे तमारी, हां याद तमारी हमने बहु आवशे दररोज। हेलो गाइस, आज इस छोटे से अपडेट के माध्यम से हम आपके साथ हमारे जितने भी प्रभु जी सोशल मीडिया आश्रम पे रह रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 से भी ज़्यादा प्रभु जी यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू है, उसकी वजह से और कोई दुर्घटना ना बन जाए, तो हमारा जो आनंद में आश्रम है वहाँ पे अच्छी सुविधा है, अच्छे से हम उसको रख सकते और उसके परिवार तक पहुँचा सकते हैं, तो ये सब व्यवस्था हमने कर दी है। 6 प्रभु जी को हम लेके जा रहे हैं आनंद, और अभी शाम के बज चुके हैं 6, ऑलमोस्ट रास्ता 250 किलोमीटर का है, रिक्स बहुत ज़्यादा है, बट भगवान की कृपा से अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो चलिए पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। मेरे साथ है और वो अभी यहाँ पे रहने वाले हैं, तो क्या कहूँ गाइस, अभी सब लोग जा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, अवसर पे सब साथ में रहते तो मजा आता है, फिर सब थोड़ा जोर से बोलिए, हमारा माइक सब चले जाते हैं, थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, बट कोई बात नहीं, 2-3 दिन में वो भी यूज टू हो जाते हैं, बट होपफुली पहुंच जाए रात का समय, और इधर तो बारिश वाला मौसम है, पीछे देख सकते हो पूरा पवन तो एक नंबर फूका रहा है, फूका रहा है, और आपको समय मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे सब प्रभु जी आते हैं, छाटे छाटे भी गिरा है, अभी मेरे पोनी पे गिरा है, तो अभी प्रभु जी को सबको लाइन में उठा लो, एक फोटो पाड़ लेता हूँ, आ जाओ। तो दोस्तों हमारे प्रभु जी 6 प्रभु जी को हम उसको आनंद ले जा रहे हैं, और बहुत ही शाम हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं, बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि 6 प्रभु जी में से 5 प्रभु जी का परिवार भी मतलब मिलने की तगार पे है, तो हम पूरी कोशिश करें उसके परिवार तक वो मिल जाए, और इसलिए हम उसको आनंद शिफ्ट कर रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग वीडियो देखना दोस्तों, शेयर कर दीजिए, रास्ते में क्या दुविधाएँ आती है, कैसी कैसी मुसीबतें आती है, वो भी हम शेयर करेंगे, पूरा एपिसोड देखिए, थैंक यू सो मच। बोलो भाई के हो तुम, बस काई नहीं, हाथ में पोगी जाजो भाई, आ प्रभु जी ने લઈને શાંતિ થી ગાડી આંગજો, વાવાઝોડાની તૈયારી છે અને વરસાદ પણ આવશે, આવો જો આવો, तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं, और थोड़ा रास्ता लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट होपफुली हम अच्छे से पहुंच जाएंगे, भगवान हमारे साथ है, कोई दुविधा की कोई तो कोई बात नहीं है, बट ये थोड़ा जवाबदारी का काम है, तकेदारी से अच्छे से हम भगवान को पहुंचा देते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी और उसके परिवार वाले भी मिलने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसे भगवान की परिवार मिल रहा है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि एक छोटी सी उम्मीद जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी सी भी उम्मीद जो मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए मिल जाते हैं, तो आज वो सबसे बड़ी बात है, अच्छे भगवान को हम लेके जा रहे हैं आनंद। तो चलिए पूरा एपिसोड देखना दोस्तों, शेयर कर देना, रास्ता बड़ा लंबा है, वीडियो बहुत छोटा है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं भावनगर नारी चौकड़ी, और यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता है बगुदरा वटामन चौकड़ी का, और हाईवे थोड़ा यहाँ से हम उसके लिए और ज़्यादा बटेगी क्योंकि सिंगल पट्टी रोड है और बहुत ही धक्केदारी से गाड़ी चलाना पड़ता है। इस हाईवे पे कहा जाता है कि हर दिन एक एक्सीडेंट होता है दोस्तों, और कोई ना कोई व्यक्ति की यहाँ पे मौत हो जाती है हर दिन। तो इस नारी चौकड़ी से लेके वटामन चौकड़ी तक जो भी भाई मतलब हर रोज निकलते हैं, तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को धीमे चलाइए, खास करके रात के टाइम पे, और मैंने लाइव एक्सपीरियंस भी किया है,
मैंने लाइव देखा भी है कि इस हाईवे पे एक्सीडेंट होता ही है और हम 60 के ऊपर गाड़ी नहीं चला रहे, धीरे धीरे जा रहे और भगवान बिल्कुल साथ सभी लोग बैठे हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं कर रहे। और दूसरी प्रॉब्लम की बात दोस्तों ये है कि आज हाईवे पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो बिल्कुल नहीं है और इको में आगे का सेड लाइट जो है, आगे के जो लाइट है बहुत डीम है, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं खुद ड्राइविंग कर रहा हूँ तो हार्दिक भाई को मैं चला नहीं दे रहा हूँ, पर कोशिश यही रहेगी कि मैं 100 किलोमीटर का रास्ता धीरे धीरे पार कर दूँ, उसके बाद हार्दिक भाई चलाएंगे। तो चले कोई बात नहीं, मुसीबत तो और रहेगी जिंदगी में, आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी का जीना ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है। शेयर करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, थैंक यू सो मच। बाथरूम जाऊ कोई नहीं है शंकर महाराज? कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट 10 मिनट। आओ जाओ फटाफट। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धोलेरा और यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 50 किलोमीटर का रास्ता है वटामन चौकड़ी। अभी जो रास्ता होगा बहुत ही मुश्किल वाला है क्योंकि सिंगल पट्टी रोड है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद है हाईवे पे और ये फर्स्ट टाइम ये लाइट हमें मिली, वो भी सोलार से लग रही है, सोलार लाइट है तो अभी पूरे हाईवे पे लाइट ही नहीं है। भगवान को बाथरूम पैसा उतरने के लिए अभी हम धोलेरा, यहाँ एक छोटी सी होटल है वहाँ पे खड़े हैं और खाने की व्यवस्था अभी यहाँ पे नहीं की है क्योंकि आश्रम में जाके खाने की व्यवस्था करी है। यहाँ पे अभी हम कुछ छोटा मोटा नाश्ता कर लेंगे क्योंकि गाड़ी में सफोकेशन की वजह से उल्टी ना कर जाए, वैसे तो आपको पता ही है कि कितनी उल्टी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हम खाने का बंदोबस्त आश्रम पे किया है। पर चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी कोशिश आने वाले टाइम को बदलने की, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गाड़ी अब चलाएंगे हमारे हार्दिक भाई और रात बहुत हो चुके है, 11:30 बज चुके अभी और एक मैक्सिमम 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और चले तो अभी यहाँ से और ज्यादा मुसाफरी अब हार्दिक भाई करेंगे, कम्प्लीटली देखिए आप, शेयर कर दीजिए, थैंक यू सो मच। कैसा है रस? बढ़िया। अरे वाह। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद और हम आश्रम भी पहुंचने वाले फक्त 2 मिनट के अंदर। भगवान के साथ आज मुसाफरी करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सलामत से हम पहुंच चुके हैं हमारी हार्दिक भाई की सफारी के साथ। बराबर ना हार्दिक भाई? इफेक्ट मुस्कान दे रहे क्योंकि वो थके हुए हैं। कैसे हो दिलीप भाई? जय श्री कृष्ण। भगवान सब लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दादा। आज नहीं तो काले। भगवान ने आज मेरी लैपटॉप बैग की सुरक्षा की है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रख दो इधर इधर, लाओ लेके बाहर आओ, चलो बाहर आओ, आ जाओ। ये देखो ये भगवान है ना, बहुत ही अलग प्रकार के। चलो बाहर आओ, खा जाओ, खाओ जितना हो सके इतना खाओ। ये भगवान ऐसे है, आधा घंटे तक निवाला मतलब मुंह तक रखेंगे और आधा घंटे तक वो ऐसे ही रखेंगे, सही है ना? आ जाओ चलो निवाला खोल सकते हैं। आ जाओ। ये 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग और 6 लोग, 6 लोगों को लेके निकले थे और 6 लोग पहुंच चुके हैं आश्रम।
आनंद आ सके। और अभी खाने की व्यवस्था भी हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये ट्रैवलिंग ब्लॉग था पूरा। और आश्रम सोशल मीडिया आश्रम से लेके यहाँ तक पहुँचाने की जो जिम्मेदारी थी, अच्छा ट्रैवलिंग रहा। मुसीबत बहुत ज़्यादा थी बट अच्छा लगा कि मुसीबत का सामना करने के लिए भगवान ने हिम्मत दी और यहाँ तक हम पहुँच चुके। फिर से मिलते हैं दोस्तों नए एक ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।